हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आऊँ, देखिए फिर से IRCTC का अपडेट देंगे। यहाँ पे इस शेयर में आज की डेट में फिर से एक नया रिकॉर्ड इसने बनाया। अब वॉरेन बफे का नाम जोड़ा जा रहा है इस शेयर से। ऐसा माना जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भैया ये शेयर वॉरेन बफे जो स्टॉक चूज करते हैं उनकी कैटेगरी का स्टॉक है। अब आप सोचिए क्या ऐसा है? और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये वॉरेन बफे के कैटेगरी वाला शेयर है, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि हाँ भाई, ऐसा क्या है शेयर में जो लोग अब इसको IPO के इतना ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन के बाद ऐसा कहने लग गए हैं। एक नज़र इस शेयर को देखते हैं। टेक्निकली फंडामेंटली आज शेयर ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है, उसको देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी चल रहा है, व्हाई वॉरेन बफे वुड हैव बॉट IRCTC एंड यू शुड टू ऑन करेक्शन। क्यों ऐसा क्यों? जनरली वॉरेन बफे के अगर स्टेटमेंट्स आप देखें, उनकी चीज़ें देखें, तो वो स्टॉक मार्केट में जब भी किसी स्टॉक को चूज करते हैं, वो कहते हैं कि उस स्टॉक को अगर आप 1 महीने के लिए खरीद रहे हो तो फिर इसको रहने दो। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तभी उसको खरीदो। और उस स्टॉक में क्या होना चाहिए? मोट मोट, समझ रहे हो आप? और उस मोट के चक्कर में, उस मोट के लिए यहाँ पे IRCTC को बिल्कुल वॉरेन बफे की कैटेगरी वाला स्टॉक माना जा रहा है, उस मोट के चक्कर में। मोट मीन्स, अब आप समझिए धीरे धीरे, मोट ऐसा है कि भाई ये स्टॉक एक मोनोपोली इसकी है। क्या है? मोनोपोली। जब स्टॉक की मोनोपोली होती है डेफिनेटली, तभी तो भाई मोट है। इसीलिए इस स्टॉक को, क्योंकि कोई भी अगर इंडिया के अंदर ट्रेन्स बुक होंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ IRCTC से ही होंगी, इसीलिए इसका मोट। और दूसरी चीज़, यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगी, वो अगर आप देखोगे कि IRCTC में, ये देखिए आप, IRCTC में जो प्राइवेट टिकट का रिजर्वेशन हो रहा है, देखिए प्राइवेट ट्रेन चलने लग गई हैं। एक दूसरा पॉइंट ऐड कीजिए आप, प्राइवेट टिकट का रिजर्वेशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी किसी तरीके से ट्रेन डिले हो रही है, अब दूसरा पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ, ट्रेन डिले हो रही है, तो आपको सीधे सीधे पैसा वापस मिल रहा है। कितना पैसा वापस मिल रहा है? अभी इन्होंने 1.62 लाख कंपनसेशन किया लेट रनिंग ऑफ ट्रेन के लिए। और ये जो ट्रेन है, 100 रुपये विल बी पेड इन द केस ऑफ डिले इज ओवर एन आवर एंड 250 फॉर द डिले ऑफ 2 आवर। मतलब समझ रहे हो? अब आया ये प्राइवेट कैटेगरी वाली बात। मतलब अगर 1 घंटे से ऊपर लेट होगी तो 100 रुपये, अगर 2 घंटे से ऊपर लेट होगी तो 250 रुपये आपको वापस मिलेंगे। अगर आप टिकट अच्छा खासा दे रहे हो तो आपका बिल्कुल है। अगर आप लेट हो रहे हो, अब क्यों जा रहे हो फास्ट ट्रेन्स में? क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना है। अगर लेट हो गई तो भाई कौन भरपाई करेगा? तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा मुझे ये चीज़ लगी। और फिलहाल जो तेजस एक्सप्रेस के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लेट हुई थी ट्रेन और वहाँ पे 1.62 लाख का इन्होंने आपको क्या दिया है? कंपनसेशन दिया है। बहुत ही बढ़िया, जो इंश्योरेंस करा रखे हैं इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, ये कंपनसेशन दिया गया। तो इसीलिए भाई ये शेयर बिल्कुल मोट माना जा रहा है, मोट। ये देखिए आप, फंडामेंटली IRCTC इज वॉरेन बफेट्स बाय विद अ मोट स्टॉक टाइप, ऑलवेज बाय ऑन करेक्शन, ऐसा माना जा रहा है। चलिए अब देखते हैं भाई अब कहाँ तक पहुँच गया ये। फिलहाल अभी के डेट में, आज के डेट में बड़ा उछाल देखने को मिला। एक नज़र आप शेयर की तरफ देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको पेज को रिफ्रेश कर दूँ, फिलहाल जो करंट प्राइस मुझे देखने को मिल रहा है वो कितना है, ये NSE की वेबसाइट में डिटेल देख रहा हूँ। आज की डेट में 7 से 8% और जंप हुआ। अब इस स्टॉक को देखिए और समझिए, 7 से 8% जंप होना, मतलब कि 786 जो क्लोज हुआ था, ये 780 के आसपास क्लोज हुआ था, लेकिन ओपन 7 रुपया ऊपर हुआ। और उसके बाद 866 का इसने हाई बनाया है, 866 का। तो कितना बढ़िया, मतलब जिसने होल्ड किया होगा तो भाई मजे ही मजे, बहुत ही मजे। अब आप सोचोगे कि उस टाइम पे 650-700 में बेच दिया था मैंने, लेकिन ये शेयर अभी 166 रुपया और बढ़ चुका है। और जिसने 660-670 के लेवल पे वहाँ पे खरीदा होता फर्स्ट डे पे, जैसे किसी को नहीं मिला तो उसने खरीदा होगा, डेफिनेटली बहुत लोगों ने खरीदा। मैंने आपको जैसे बताया था कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं 626 के रेट पे। अभी और भी बायर यहाँ पे आएंगे, बड़े नाम आएंगे जिन्होंने इस शेयर को खरीदा होगा, क्योंकि मोट शेयर है भाई। अब फिलहाल अभी देखिए, 80 लाख आज की डेट में शेयर्स ट्रेड हुए, 80 लैक्स, जिसमें 13 लैक्स की डिलीवरी देखने को मिली है। मतलब ट्रेडिंग ज़्यादा चल रही है अभी, 16% की डिलीवरी देखने को मिली है। और स्टॉक धीरे धीरे करके 837 के प्राइस पे जा चुका है, 866 का हाई बना चुका है। अब आप कहेंगे अरे वाह। अब मैं एक नज़र आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये स्टॉक मिला था 310 पे, ठीक है, 310 पर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो, इसलिए मैं रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ। और ये स्टॉक 310 पर मिलने के बाद अगर आपने होल्ड किया होता,
अगर आपने बेच दिया तब तो आपको प्रॉफिट हो गया, अगर आपने यहाँ पे होल्ड किया होता तो आपको कितना गेन हो गया, यहाँ पे 840 मान लेते हैं अभी एवरेज प्राइस, 840 माइनस आप 310 कर लीजिए, सीधे सीधे एक शेयर पे आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 7-0, और यहाँ पे हमारा गया कितना, 7-310 माइनस करते हैं तो 7-0 नहीं, ये 3 आ गया यहाँ पे, और 530 रुपये पर शेयर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 से, 30 रुपये और हटा दो, भूल जाओ इस 30 रुपये को, 500 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 20,000 रुपये एक लॉट पे आपने ऑलरेडी यहाँ पे कमा चुके हो। जो मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ वो खाली 810 के प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर 850 रुपये और जोड़ लो तो आपका 200 4 5 20 2,000 रुपये और जोड़ लीजिए, तो 22,000 का सीधे सीधे बेनिफिट आप देख पा रहे हो खाली IRCTC जिसने अब तक होल्ड किया है। तो भाई अभी भी मैं कहूँगा कि गिरावट के टाइम पे शेयर पे आपके लिए मौका है। अब देखिए मैं आपको इसका टेक्निकल दिखा डिटेल दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिले और आप समझ पाओ शेयर को। मार्केट में ये शेयर आया था, पहले 15 मिनट के अंदर ही इसने ताबड़तोड़ जंप दिया था। मैं खुद कह रहा हूँ कि यहाँ पे अलॉट जरूर शेयर मिले थे, लेकिन यहाँ पे बाइंग की गई और भी बाइंग की, मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे शेयर जो है अच्छे से इस लेवल पर बाई किए हैं। अब यहाँ पे 610 पहले घंटे के अंदर तत्काल की तरह यहाँ पे बाइंग की गई, सबने बाइंग की होगी जो समझते थे वैल्यूज की, और बाइंग करने के बाद शेयर बहुत ऊपर गया क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला शेयर है। मैंने जब पहले भी वीडियोस बनाए हैं तो बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट किया था, मैंने कई बार पोल के थ्रू क्वेश्चन भी पूछे, तो बहुत सारे लोगों ने होल्ड करने की रियायत दी थी या फिर और खरीदने की रियायत दी थी, और जो लिस्टिंग गेन वाले लोग थे उन्होंने सेल करने की रियायत दी थी। लेकिन ये शेयर आप खुद देखिए कितने दिन, अभी कितने दिन हुए, 14 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था, अभी 22 अक्टूबर हुआ, कितने मार्केट डेज अभी ट्रेड हुए हैं, ओनली 5+ आज 6 दिन, 6 दिन के अंदर ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी का 866 का हाई बना दिया। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी आप ये मान के चलिए कि आपका पैसा दोगुना तो ऑलरेडी हो चुका है, ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने के लिए कितना पैसा चाहिए भाई, 930 ही का तो प्राइस चाहिए, कितना, 930 का प्राइस चाहिए, ऑलरेडी 930 के प्राइस पे आपका पैसा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो भाई बहुत ही बढ़िया, और क्या चाहिए ऐसा ज़बरदस्त। अब फिर से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इस शेयर में अभी रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो शेयर में फिर से एक बड़ी छलांग लगाएगा। अभी अगर थोड़ा सा दो मतलब एक हफ्ते का हमारे पास चार्ट है, इसमें जो ट्रेंड दिख रहा है, स्टॉक यहाँ से जंप किया, कंसोलिडेशन देखी, देखिए कंसोलिडेशन किस तरीके से दिख रही है, बिल्कुल ये छोटे टाइम फ्रेम में अभी देखोगे तो यही है, एक असेंडिंग ट्रायंगल बना, ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद अभी एक ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास है शेयर, आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करके है इसके पास है, और शेयर में फिर से इसके पास आके सपोर्ट लेने के बाद फिर से जंप हुआ, यानी कि 820 के लेवल तक जरूर आया था, 820 825 के लेवल से वापस यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अब शाम होते होते ये अपने नए हाई के पास जाने की कोशिश करेगा, नहीं तो इन लेवल्स तक जाएगा, या ऑलमोस्ट 850 850-60 के लेवल पर जाने की कोशिश करेगा या ऊपर जाएगा। अब कितना ऊपर जा सकता है वो हमको बताता है अपर प्राइस का बैंड। अब अपर प्राइस का बैंड इसका है 866.75 का, तो इसका 52 वीक हाई है, लेकिन ये जा सकता है 934, आप ये देखिए कितना ऊपर जा सकता है 934। जब इसमें अपर प्राइस का बैंड जो कहते हैं ना अपर सर्किट हिट हो गया तो वो 940-934 के लेवल पे, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो मतलब अभी कैपेसिटी अगर यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, इसका वॉल्यूम बड़ा देखने को मिला, तो ये शेयर 934 का इसका अपर टारगेट है, और अभी तक मुझे लगता है कि अपर सर्किट हिट नहीं हुआ है, वो हिट करना, किसी दिन वो भी हिट करेगा तो मतलब मान के चलिए 15 से 20% का उछाल, आप मतलब बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भाई, यहाँ ये शेयर कमा के देने वाला है। मुझे लगता है कि अभी ये शांत नहीं होने वाला, प्रॉफिट बुकिंग अब लोग कर नहीं रहे इसमें, अब लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं, नए लोग इसमें एंट्री मार रहे हैं, तो क्यों, अब बड़े बड़े नाम जब ऐसे वॉरेन बफे का नाम जुड़ जा रहा है, और वॉरेन बफे शेयर मार्केट में पूरी ग्लोबल लेवल पर भगवान माने जाते हैं। देखिए फंडामेंटली IRCTC इज वॉरेन बफेज बाय विद मोट स्टॉक टाइप, अब फिर से समझे मोट स्टॉक टाइप, इसीलिए वी कैन से इन्वेस्टर गॉट अनदर स्टॉक टू ऐड देयर पोर्टफोलियो एंड बी बुलिश ऑन द स्टॉक इन लॉन्ग टर्म ऑलवेज बाई फ्रॉम अ करेक्शन, जब भी करेक्शन आता है तो यहाँ पे ऑलवेज बाय का सिग्नल दिया जा रहा है इस मोट स्टॉक टाइप के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि भाई आप की अपनी क्या राय है स्टॉक के बारे में, तो उसको कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। यहाँ पे इसी तरीके से मारुति सुजुकी के बारे में जब ये 2003 में आया था तो उसके बारे में भी यही माना जा रहा था, देखिए 125 पर शेयर का, और आज की डेट में शेयर कहाँ है, तो यही जिसको एक एक लॉट भी अलॉट हुआ होगा
तो वो कितना खुश होगा। और अभी आप देखिए HDFC AMC का डिटेल में बता रहा हूँ आपको, अभी इंडिया मार्ट का जिसको, इंडिया मार्ट इंटरबैस का जिसको मिला होगा, बहुत सारे ऐसे IPOs हैं जो कि बहुत चमत्कारी IPO निकले और अब तक खूब माल कमा के उन्होंने दिया है, और IRCTC भी उनमें से एक माना जा रहा है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।